ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ट्राइबल इंडिया टीवी मीन्स वॉइस ऑफ ट्राइबल, आदिवासियों की आवाज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आदिवासियों के लोग, संस्कृति, परंपरा, उनकी उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी समस्याएं जन जन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और इसी को ध्यान में रखकर ट्राइबल इंडिया टीवी का एक निर्माण किया गया है और एक टीवी बनाया गया है। अब हमारे ट्राइबल इंडिया टीवी में भारत के सभी आदिवासियों को सामने लाने का, उनकी लोक संस्कृति परंपरा को लाने का काम हमारे सभी रिपोर्टर्स ने उठाए हैं और दूर दूर तक जाकर घने जंगलों में, पहाड़ों में पहुंचकर हम आदिवासियों की आवाज जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारे कई रिपोर्टर्स हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और जो आदिवासियों से संबंधित चीजें हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के माध्यम से हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्रम में ट्राइबल इंडिया टीवी के एक मुख्य रिपोर्टर हैं हमारे मनोज शरण, जो दूर 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 दराज तक जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जन जन के बीच में जा करके ट्राइबल इंडिया टीवी में आदिवासियों की आवाज सरकार तक और लोगों तक पहुंचाते हैं। वो एक ऐसा हमारे ट्राइबल इंडिया टीवी का रिपोर्टर है जो जान जोखिम में डालकर भी रिपोर्टिंग करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। अब चाहे वो भारत के आदिवासियों की लोक संस्कृति परंपरा हो, उन्हें पहाड़ों पर जंगलों में घूम के पहुंचाना, बच्चों के कला संस्कृति को आगे बढ़ाना, इस तरीके से महिलाएं, जो हमारे ट्राइबल महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं देश के लिए, समाज के लिए, जिनको लोग जानते नहीं है, मनोज शरण ढूंढ ढूंढ कर ऐसी प्रतिभाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन लोगों ने अपना खेला है और देश का सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज ऐसे भी बहुत सारे आदिवासी खिलाड़ी हैं जिनको लोग जानते नहीं। मनोज शरण हमारे कैसे रिपोर्टर हैं जो अंदर तक जाकर ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ करके वो समाज के सामने लाते हैं और उनकी बातों को, उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। ट्रैवल इंडिया टीवी को भी हम धन्यवाद देते हैं और मनोज भैया खास करके मेरा बहुत दुख में हेल्प किए उसको भी हम दिल से थैंक यू बोलते हैं, उनका परिवार को भी हम थैंक यू बोलते हैं कि वो अभी भी हेल्प हमको कर रहे हैं और वो अभी बैग भी मेरे लिए सर्टिफिकेट डालने के लिए भी बैग दिए। और इस तरीके से उन्होंने ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से कई लोगों को मदद की है, कई लोगों तक मदद पहुंचाया है, कई लोगों की आवाज जन जन तक पहुंचाई है। और आज मनोज शरण ऐसी ही कवरेज करने के दौरान वो कोरोना के चपेट में आए और स्थिति ये है कि आज वो रांची के मेदांता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं और उनका इलाज चल रहा है। हम सभी, हमारे ट्रैवल इंडिया टीवी की सारी टीम, उनके तुरंत और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं ताकि वो फिर से हमारे बीच आए और इसी तरीके से रिपोर्टिंग करें। हम उनकी शुभकामनाएं और जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी आए। 9 जनवरी को यहाँ पे अंग्रेजों के गोली के शिकार हुए थे और वो यही स्थल है जहाँ पे वो शहीद हुए थे, लगभग 400 से अधिक आदिवासी ग्रामीण। और इसी जगह मौजूदगी थी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भी, जो उस लड़ाई के दौरान यही मौजूद थे। गांव से लेकर शहर तक आदिवासियों की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे, जब जहां जरूरत हुई लोगों के बीच पहुंचे, ना समय की परवाह की ना खुद की, और रिपोर्टिंग करते करते खुद कोरोना से ग्रसित हो गए। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और बहुत सारे लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआ और विनती कर रहे हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और पहले से बेहतर है। फिलहाल रांची के इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी परिवार उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। ट्राइबल इंडिया टीवी के सम्मानित दर्शकों के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है, वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज शरण, ट्रैवल इंडिया टीवी का संवाददाता। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार था,
दो दिनों से मैदानतार रांची में एडमिट हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव निकला हूँ। मेरी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ही एडमिट किया गया। मैदानता में इलाजरत हूँ। काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। कई सारी परेशानियाँ हैं। मैंने सोचा कि अपने ट्रैवल इंडिया टीवी के आदरणीय दर्शकों से रूबरू हो जाऊं, उन्हें बताऊं कि मैं फ़िलहाल रिपोर्टिंग करने की स्थिति में नहीं हूं। शायद आप लोग कुछ दिनों तक मुझे न देख पाएंगे, न सुन पाएंगे। मैं अपने जीवन से संघर्ष कर रहा हूं। दवा और दुआ की ज़रूरत है। आत्मविश्वास बनाए हुए हूँ। उम्मीद है जल्द ही लौटकर आप सबों के बीच आऊँगा और फिर उसी तेवर में उसी जुनून के साथ आदिवासियों की आवाज़ बनकर लौटूंगा। बहुत कमजोरी है मुझे, पता नहीं आगे और क्या कुछ होगा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, निर्देशों का पालन करें। फिर से आप सबको बहुत बहुत जोहार। जल्द वापस लौट कर आऊंगा, यही उम्मीद है। धन्यवाद। और एक बात जो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप बाहुबली बनने की कोशिश ना करें। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना मास्क लगाए यहां वहां घूम रहे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अभी फिलहाल घर से बिना काम का बाहर ना निकले, और निकले तो प्रॉपर मास्क लगाकर निकले, हाथ सैनिटाइज करें, दूरियां बनाकर चले, क्योंकि एक बहुत ही घातक बीमारी है कोरोना, जो किसी जात, किसी धर्म, किसी बाहुबली या किसी को नहीं पहचानता, किसी उम्र को नहीं पहचानता है, वो किसी को भी हो सकता है। तो इससे पहले कि हम उसके चपेट में आए, तो हम उनसे बचे, हम अपने बचने की कोशिश करें। आप बचेंगे तो कम से कम 150 लोगों को आप बचाएंगे, और एक राष्ट्र में राष्ट्र के लिए एक अच्छा काम करने का एक आपको मौका है। राष्ट्र के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, समाज को कोरोना की चपेट से बनाए, और मनोबल ऊंचा रखें, कभी घबराए नहीं, क्योंकि ये कोरोना की लड़ाई मनोबल से जीती जा सकती है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, लक्षण दिखे तो उसका इलाज तुरंत कराएं। ये कभी ना सोचे कि मुझे सर्दी हो गया और खांसी हो गया है या वायरल हो गया, ये ना सोचे। है भगवान की दया से अच्छी बात है कि वायरल हो, लेकिन हो सकता है ये कोरोना हो, इसलिए उससे बचें। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, और मनोज सरन के लिए हम सब सभी मिलकर के उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ताकि वो हमारे रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाए, ट्रैवल इंडिया टीवी की आवाज को जन जन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।